एवरीवन, वेलकम बैक टू द किचन काउंटी। आज हम बनाएंगे एक बर्मीज डिश जिसका नाम है बर्मीज खाउसे। ये डिश मैंने बहुत पहले मेरे एक क्लोज फ्रेंड के यहाँ खाई थी जिसके इन-लॉज बर्मा से हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कुजिन खाने के शौकीन हैं तो ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर से लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के लिए मेरे चैनल द किचन काउंटी को सब्सक्राइब करें। बर्मीज खाउसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पाइसी मसाला बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन में एक टीस्पून घी और एक टीस्पून तेल। उसके बाद हम डालेंगे एक कप सॉल्टी पीनट्स, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे वन कप फ्राइड गार्लिक और हाफ कप फ्राइड अनियन। थोड़ा सा नमक डालेंगे और ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो ये जो मसाला है इसे आप कोई भी नूडल में या सब्जी या दाल में भी ऊपर से डाल के खाओगे तो बहुत ही मस्त लगता है। तो ये हमारा स्पाइसी चटपटा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। बॉल में निकालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा तोड़ लेना है। इस मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कटा हुआ कैप्सिकम, 1 कप फ्रेंच बीन्स, 1 कप फूल गोभी, 1 कप गाजर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के कोई और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। अब इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। चेक कर लेते हैं तो थोड़े से वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो ये मिक्स वेजिटेबल्स हमारा तैयार हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने तेल को हल्का सा गुनगुना गर्म किया है। तेल को 2 बॉल में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक बॉल में डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली, 2 टेबलस्पून वाइट तिल और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूसरे बॉल में डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये चिली ऑयल और ये पीनट ऑयल हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम काजू की पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 1/3 कप काजू, 4 हरी इलायची और 3 लौंग लेंगे, 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। 20 मिनट के बाद हमें इलायची में से दाने निकाल लेना है और इसे मिक्सी में पीस के इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो देखिए काजू की पेस्ट हमारी तैयार हो गई है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट हमें कोकोनट की करी बनानी है। इसके लिए हम एक पैन में 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अब इसे अच्छे से सॉटे करेंगे तो लहसुन का कच्चा फ्लेवर चला जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से सॉटे करना है। तो बस ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। हमने पहले जो मिक्स वेजिटेबल्स बनाया है आप यहाँ पे प्याज के साथ भी इसे सॉटे कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा क्रंची पसंद है तो मैंने इसे अलग से फ्राई किया है, क्योंकि करी के साथ जब वेजिटेबल्स बॉयल होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सौगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी थोड़े से भून चुके हैं। अब हमने जो काजू की पेस्ट बनाई है वो ऐड कर लेंगे। तुरंत ही हमें इसे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। इसे बहुत ही अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट होने ना लगे और थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे काजू की पेस्ट हमारी भून चुकी है, कलर चेंज हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब 1 टेबलस्पून बेसन में 1/4 कप जितना पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे
और इसे पेस्ट में ऐड कर लेंगे। तुरंत ही हम इसे विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। एक से डेढ़ मिनट के लिए बेसन को अच्छे से भून लेंगे तो बेसन डालने से करी में एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाएगा। अब एक कप पानी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और कोई भी मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम विस्कर की मदद से इसे चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। इसमें मैंने एक टिन यानी 250 ml जितना कोकोनट मिल्क ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब हमें इसे एकदम अच्छी तरह बॉईल करना है। आप इसे जितना ज़्यादा बॉईल करोगे कोकोनट करी उतनी ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए बॉईल करें। अगर आपको जल्दी है तो आप मिनिमम इसे 15 मिनट के लिए बॉईल करें। काजू और इलायची के कारण करी में से बहुत ही अच्छी एक खुशबू आ रही है और रिच और क्रीमी टेक्सचर भी मिला है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक है तो आप पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। मुझे ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली है। यहाँ पे मैंने नूडल को बॉईल करके रखा है। ये एक सलाद है, इसमें प्याज और पत्ता गोभी को लंबा लंबा काट के इसमें हरा प्याज और धनिया पत्ते डाले हैं। ये हमने जो पहले मिक्स वेजिटेबल्स तैयार किए थे वो है। ये लहसुन मिर्ची यानी जो स्पाइसी मसाला बनाया वो। ये पीनट ऑयल है, ये चिली ऑयल, डार्क सोया सॉस है, लेमन जूस है और ये नमक वाला पानी है। और ये हमारी रिच एंड क्रीमी कोकोनट करी भी तैयार है। तो चलिए अब सर्व करते हैं बर्मिस खाउसे या बर्मिस खाउसवे या करी नूडल। सर्व करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में नूडल डालेंगे, उसके ऊपर कोकोनट करी डालेंगे। मुझे थोड़ा सा सूपी पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डाल लेंगे। उसके ऊपर प्याज और पत्ता गोभी का सलाद डालेंगे, मिक्स वेजिटेबल्स डालेंगे, पीनट ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा चिली ऑयल डालेंगे, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सोया सॉस डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और नमक वाला पानी डालेंगे और लास्ट में मेरा फेवरेट लहसुन मिर्ची स्पाइसी मसाला डालेंगे। ऊपर से और थोड़ा करी डाल लेते हैं। तो ये तैयार है हमारा एकदम यम्मी और डिलीशियस बर्मिस खाउसे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत 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 पसंद आएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप कुकिंग एंड टेक केयर।